युगों युगों से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनी शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तों, मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अपने भक्तों की सुविधा के लिए हमने एक एंड्रॉइड ऐप बनवाई है, जिससे कि शनि पीठ मंदिर के जो सभी हमारे भक्तगण हैं वो बड़ी सरलता से हमारे मंदिर की सभी सेवाओं का लाभ उठा सके। इस ऐप का नाम है एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, जिसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो सबसे पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करें तो आपको सीधे प्ले स्टोर पर उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आप इस ऐप को एक बटन दबाकर ही डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने का एक और तरीका है, यदि आप इसके नाम को प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे यानी कि एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, इन वर्ड्स को आप प्ले स्टोर पर चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आप हमारी इस ऐप तक पहुंच जाएंगे। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप हमारे शनिपीठ मंदिर की कई सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आप हमारे शनिपीठ मंदिर से फ्री में ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए समाधान जान सकते हैं और काफी कम प्राइसेस पर आप हमसे अंगूठियां भी खरीद सकते हैं, अपने लिए यज्ञ हवन पूजन इत्यादि का भी आयोजन करवा सकते हैं। ऐसी कई सारी सर्विसेज, ऐसी कई सारी सेवाएं हमारे शनिपीठ मंदिर द्वारा हमारे भक्तों के लिए प्रदान की जाती है। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आज 15 मई 2020 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि सुबह 8:21 तक रहेगी और उसके पश्चात नवमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, दोपहर 11:50 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहुकाल सुबह 10:36 से लेकर 12:18 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, मैं जो आपको ये डेली राशिफल बताता हूँ ये आपके चंद्र गोचर पर आधारित संकेत मात्र है। आप इनके हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु उसमें देश काल और परिस्थिति की प्लानिंग को भी साथ में जोड़कर ही आप अपने दिनचर्या की जो दिशा है उसको निर्धारित करें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे और आज आपके शत्रु आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे और उनकी कोई भी योजना आज आप विफल कर देंगे। यदि आज आपकी कोर्ट कचहरी के किसी भी मामले में कोई सुनवाई है तो आज कोर्ट में आपका पक्ष भारी रहेगा और आज निश्चित तौर पर जो फैसला है वो आपके पक्ष में ही आएगा। यदि आपका धन कहीं पर भी अटका हुआ था, कोई व्यक्ति आपसे उधार लेकर गया हुआ है या किसी भी प्रकार से आपका धन किसी और व्यक्ति के पास है तो आज वो व्यक्ति आपका धन आपको लौटा देगा, आपका रुका हुआ सारा धन आज आपको प्राप्त होगा। आज ग्रह बल आपके साथ हैं, आप यदि प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आज आपके कदम चूमेंगी। आज लिए हुए फाइनेंशियल डिसीजंस आपको लॉन्ग रन में फायदा देंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में भी आज
आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से आपके व्यापार की प्रगति होना तय। आज आपका संपर्क कई नए लोगों से होगा, आपके कम्युनिकेशन के लिंक्स बढ़ेंगे। आज बुद्धि से रिलेटेड जो कार्य हैं, जो दिमागी जिन कार्यों को हम कहते हैं, उनमें आपका रुचि बढ़ेगी। आज भाग्य आपका भरपूर साथ दे रहा है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए काफ़ी मंगलमय प्रतीत हो रहा है। जिन लोगों की शादी की उम्र हो गई है, आज उनको शादी के कई नए प्रस्ताव आएंगे और आज उनकी शादी की बात एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। आज अपने पारिवारिक सदस्यों और अपने प्रिय दोस्तों के साथ आपको बाहर जाकर भोजन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, और अगर आपको अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है तो स्वयं उस अवसर को क्रिएट करें और आज अपने परिवार के सदस्यों और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर भोजन करें। इनसे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज आपको किसी दूसरे शहर में कोई काम पड़ सकता है, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ सकता है। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज आपको धन लाभ होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। विदेश में रह रहा कोई आपका रिश्तेदार आज आपको संपर्क कर सकता है और आपको कोई शुभ सूचना दे सकता है। आज थोड़ा सा गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखें, आज आपके साथ दुर्घटना होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर संयम रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आज आपकी वाणी आपको विजय भी दिला सकती है और आज आपकी निंदा भी करवा सकती है। बस फर्क इतना ही है कि आप उस पर कितना कंट्रोल रखते हैं और उसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं। आज नए लोगों से मिलते वक्त अत्यंत सावधानी बरतें। आज आपकी जुबान फिसलने से उन पर एक खराब फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप अपने घर के लिए कुछ खरीदारी करने वाले थे तो अभी के लिए इस योजना को टाल दें, अभी इसके लिए समय शुभ नहीं है। और विशेष तौर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अभी खरीदने से परहेज करें। आपके घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा, जिससे आपका मन आज प्रसन्न रहेगा, परंतु स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आज व्यवसायिक लोगों को हल्का फुल्का आर्थिक नुकसान भी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज ऑफिस में संघर्ष या किसी सहकर्मी के साथ मनमुटाव होने के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए आज सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। आज आपको प्रातःकाल उठकर काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। मिथुन राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपनी कार खरीदने का सपना जल्द से जल्द साकार करना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। भाग्य आज आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, बस जरूरत है कि आप अपने कर्म करते जाएं, शुभ परिणाम अपने आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आज आप किसी भी कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले हैं तो आज उसमें विजय मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। आज जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के साथ हो, उनमें आप पर इमोशंस हावी रहेंगे। अब इन इमोशंस से आप इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आपके जो संबंध हैं वो और मजबूत होंगे। आज सामाजिक व आर्थिक रूप से आप सम्मान प्राप्त करेंगे और आज आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे समाज में आपका नाम और फैलेगा।
आज आपको विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आज धार्मिक यात्रा पर जाना आपके लिए शुभ होगा। आज आपको प्रातःकाल उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, ये आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज का दिन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा। बस ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो लाइन होती है वो बहुत पतली है। ऐसा ना हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। आज सभी कार्य आपकी इच्छा के अनुसार होते देख आप बहुत ही खुश होंगे। आज आपके पारिवारिक सदस्यों और अपने दोस्तों के साथ आपको समय बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज आपको किसी कारणवश दूसरे शहर जाने का मौका भी मिल सकता है। हो सकता है आज नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी बिजनेस मीटिंग पर किसी दूसरे शहर जाना पड़े। आज ज़रूरत है कि आप नेगेटिव थॉट से दूर रहें और इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो मेडिटेशन का है। प्रातःकाल उठें और कुछ देर मेडिटेशन करें। इससे आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का, पॉजिटिव थॉट्स का संचार होगा और सभी नेगेटिव विचार, सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से दूर हो जाएगी। आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे आपके व्यापार में आपको फायदा होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। जो आज ग्रह नक्षत्रों का योग बना हुआ है उसके अनुसार आज आपको काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आज आपका मनचाहा काम बनेगा जिससे आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। यदि आज आपको किसी यात्रा पर जाना था तो वह यात्रा भी आज सफल रहेगी। आपकी बिजनेस मीटिंग्स आज अत्यंत सक्सेसफुल रहेंगी और आप अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट ले पाने में सफल होंगे। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में भी आज आपका नाम और मान प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलेगी। जो भी महिलाएं आपके जीवन में आपसे जुड़ी हुई हैं, चाहे वे आपकी माता जी हों, आपकी बहन हो, या आपकी जीवन साथी हो, या आपकी कोई फ्रेंड हो, उनसे आज आपको मदद प्राप्त होगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। आज आपका मन अपने लिए नए कपड़े खरीदने का भी करेगा। इस समय पार्टनरशिप करना आपके लिए अत्यंत सक्सेसफुल रहेगा और इससे आपके बिजनेस में नए आइडियाज़ भी आएंगे और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। आज आपको कुंवारी कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करके भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। कन्या राशि वालों, अगर आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं, आपका भाग्य आपको बार बार धोखा दे जाता है, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको पूरे 5 स्टार देता हूँ। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनी शशि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों, महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन
प्रदान करने में उपयोग में आती है। आइए अब जानते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि का आज का राशिफल। आज आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं से आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न हो उठेगा। आज अपने बिजनेस में आपको किसी का साथ मिल सकता है और विशेष तौर पर यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य की सहायता लेते हैं तो आज आपके व्यापार की प्रगति होना भी तय है। आज आपका शत्रु पक्ष कमजोर ही रहने वाला है और आज वो आपको नुकसान पहुंचाने में असमर्थ ही सिद्ध होंगे। आज आपकी दिनचर्या आपके अनुकूल रहेगी, आपको किसी भी प्रकार की बाधाएं आज नहीं रोक पाएंगी। आज आप अपने मित्रों के साथ गहन चर्चा में भाग लेंगे और आज सभी आपके तर्क और वितर्क करने की जो कला है उससे प्रभावित होंगे जिससे आपके फ्रेंड सर्कल में आपका रुतबा आज बढ़ेगा। आज अपने बच्चों की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि का आज का राशिफल। आज आप अपने मित्रों के साथ ऐसी एक्टिविटीज में भाग लेंगे जिनसे आपके जो पूरे हफ्ते की थकान है वो आज मिट जाएगी। आप बिल्कुल तरोताजा और रिफ्रेश्ड फील करेंगे। आज आप ऐसे काम करेंगे जिससे समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ पाए और इसी वजह से आज आपकी मान प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा। सब लोग आपको आदर के भाव से देखेंगे। व्यापारियों को विशेष तौर पर होलसेल का कारोबार करने वाले व्यक्तियों को आज अच्छा खासा मुनाफा होने के आसार बने हुए हैं। आज आपके परिवार के बुजुर्ग आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे और यदि आप उनसे सीख लेकर अपनी जिंदगी में अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो भविष्य है वो अत्यंत उज्जवल रहने वाला है और आपको कभी भी अपने जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे अच्छी आज आपके लिए कोई भी बात नहीं होने वाली है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आज कुछ समय निकालकर अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे और यदि आप कोई भी परेशानी को फेस कर रहे हैं तो उनके साथ डिस्कस करके उनसे सलाह लें। आज आप कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं, उसमें आपके मित्र या परिवार के सदस्य इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि का आज का राशिफल। आज आपका स्वास्थ्य गड़बड़ नजर आ रहा है और आज आपको बिस्तर पर ही अपना समय व्यतीत करना पड़ सकता है। आज आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसे अनावश्यक खर्चे आ जाएंगे जिनको आप टाल नहीं पाएंगे। आज आपको अपने जो भी कार्य हैं उनमें संतोषजनक सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि आपके वो कार्य बनते हैं तो भी आपके मन को जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं मिल पाएगा, जिस कारण आप मानसिक रूप से आज परेशान रह सकते हैं। आज अपने कार्य करते वक्त भी आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट और जल्दबाजी से बचना चाहिए, अन्यथा आप अपने किए कराए पर पानी फेर सकते हैं। आज आप अपने उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिनसे आप सदैव उनकी नजर में हमेशा के लिए आ जाएंगे। आज आपके परिवार में आनंद का वातावरण रहने वाला है। यदि आपके पिताजी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी तो आज उसमें सुधार होगा जिससे आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी। धनु राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं
तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि रोगी का जो रोग है, जो बीमारी है, वो समझ नहीं आ पा रही है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय करने से निश्चित तौर पर उनको स्वास्थ्य लाभ महसूस होगा। आपको आज मिट्टी का एक सकोरा लेकर उसमें थोड़ा सा हलवा रखना चाहिए और उसमें थोड़ा सा कोयला ऊपर से डाल दें। कोयले के ऊपर कच्चे चावल और फिर इस सकोरे को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर जो कि बीमार है उसके ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसमें बरगद और पीपल की छोटी टहनियां रख दें और एक अंडा फिर इस सकोरे को उठाकर किसी चौराहे पर रख दें और अंडे को उठाकर किसी सकोरे पर मारकर फोड़ दें। ऐसा करने से आपका जो रोगी व्यक्ति है वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। आइए अब जानते हैं मकर यानी कैप्रिकॉन राशि का आज का राशिफल। आज ग्रह कलेश की संभावना बनी हुई है और आज सुबह उठने के साथ ही या तो आपका अपने जीवन साथी के साथ या अपने परिवार के किसी और सदस्य के साथ वाद विवाद हो सकता है जिससे आज आपका पूरा दिन मूड ऑफ रह सकता है। ऐसे में मेरी आपको सलाह है कि संयम से काम लें, कोई वाद विवाद हो भी जाए तो उसको सुलझाने का प्रयास करें और अपने मन में लेकर ना बैठ जाएं। इससे सदैव रिश्तों में कड़वाहट आती है यदि आप वाद विवाद को उसी समय संभालने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे तो उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं आप उनको टाल सकते हैं। आज आपके जो भी शत्रु हैं वो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। आज अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें, हाइजीन का स्पेशली आप उस पर नजर बना के रखें, अन्यथा आपका पेट खराब हो सकता है। इसी सिलसिले में मेरी आपको सलाह है कि आप बाहर भोजन करने से बचें, घर का ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। आज नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार आप पर हावी हो सकते हैं जिस कारण आप अपने कार्य में रुचि नहीं ले पाएंगे। आज आपकी आंखों में भी आपको थोड़ी तकलीफ महसूस हो सकती है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी आंखों का नंबर अवश्य चेक कराएं और साथ ही साथ जो आपका स्क्रीन टाइम है, जो समय आप हर समय मोबाइल को देखते रहते हैं, उसको कम करने का प्रयास करें। इसी से आपकी आंखों में आ रही जो समस्या है वो धीरे धीरे करके हल हो। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का राशिफल। आज आपके ऊपर काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा रहने वाला है क्योंकि आपके पेंडिंग कार्यों की जो डेडलाइन है वो जल्द ही समीप पहुंच रही है और उन्हें खत्म करने की टेंशन की वजह से आज आपका पूरा दिन अपने कार्यों को निपटाने में लग सकता है, परंतु दिन के अंत में जब वो कार्य समाप्त हो जाएंगे तो आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाएंगे और आनंदित महसूस करेंगे। अपना जो समय है उसे आप एंजॉय कर पाएंगे। आज आपके तीर्थ यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं और यदि आप इस दिशा में आज प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन शुभ है। आज अपने घर में धार्मिक आयोजन कराने पर आपके कुछ धन अवश्य व्यय हो सकता है, परंतु उससे भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आज आपको अपने परिजनों के साथ कहीं घूमने जाने का भी प्लान बनाना चाहिए, इससे आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके आपसी संबंध मजबूत होंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन भी आनंददायक रहने वाला है और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज आपको कोई व्यक्ति आपका मनचाहा उपहार दे सकता है जिससे आप प्रसन्न हो उठेंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं।
आइए अब जानते हैं मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज यदि आप बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो उससे अवश्य ही आपको लाभ प्राप्ति होगी और आपके जीवन में करियर ग्रोथ पाने के नए जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आज आपके सामने आ सकती हैं जिनको आपको अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। आज सतर्कता के साथ प्रयासों से आपको निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। आज यदि आप अपने परिवार के सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा रखेंगे तो वो भी आपको आपके कार्य में सहयोग देकर कृतार्थ करेंगे। आज आप अपने घर में किसी समारोह का आयोजन कर सकते हैं जिसमें आप अपने मित्रों को आमंत्रित करेंगे और आप सभी साथ में रहकर बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आज आपका आत्मबल भी आपके सफलता को देखकर बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन शुभ है। आज वो अपने टारगेट्स को बड़ी आराम से अचीव कर लेंगे और यदि उनका कोचिंग सेंटर में कोई एग्जाम है तो उसके लिए आज उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज वो बहुत ही अच्छा अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस देने वाले हैं। मीन राशि वालों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं तो अपने भाग्य को बल प्रदान करने के लिए आपको एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।